मैंने पिछले वीडियो में मैंने अपने गार्डन की सैर कराई थी पार्ट वन का, और आज मैं आपको कराने वाली हूँ अपने गार्डन की सैर पार्ट टू। तो ध्यान से देखिए किस तरह मैंने कनेस्टर को एक बहुत ही खूबसूरत प्लांटर का रूप दिया है, और उस कनेस्टर की वजह से जो मैंने उसको प्लांटर बनाया है, किस तरह मेरे गार्डन की शोभा को बढ़ाया है, किस तरह मैंने उसमें सारे प्लांट्स को अरेंज किया है। ध्यान से देखिए और बताइए कि मेरा गार्डन पार्ट टू आपको कैसा लगा। ओके हेलो गाइस, इस तरह देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ आगे कि किस तरह कनेस्टर के द्वारा हमने बहुत ही खूबसूरत प्लांटर्स बनाए हुए हैं, और जो कि आपको दिखाई दे रहा है, और सारे में मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं, करोटन्स लगाए हुए हैं, फूल भी लगाए हुए हैं। इस तरह मैं एक एक करके आपको दिखाने वाली हूँ कि आप भी इस तरह कनेस्टर को लेकर उसे कलर कीजिए। कलर करने के बाद उसका आइस, मोज, नोज, माउथ सब बनाइए। बहुत ही खूबसूरत प्लांटर ये बनकर तैयार होगा, जो कि आपके घर की खूबसूरती को चार चांद लगाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन सारे प्लांटर्स को देखकर और आप भी बनाएंगे, अपने घर को डेकोरेट करेंगे। इस तरह बहुत ही सुंदर लग रहा है, चारों तरफ ये मेरा गार्डन है, और चारों तरफ आप जिधर भी देखोगे इधर पेप्सी की बोतलें दिखाई देंगी आपको, कि किस तरह मैंने पेप्सी की बोतलों को, और ये देखिए टायर्स हैं, ये टायर्स आपको दिख रहे ना, ये देखिए, ये हमारा छोटा सा गार्डन है जिसको मैंने बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ है, पूरा पेप्सी की बोतल से चारों तरफ। ये मैं हंस बना रही थी, अभी इनकम्प्लीट है, आईज नहीं बना है, इसकी पीक नहीं है, मैंने कलर किया हुआ है। ठीक है, कलर करने के बाद मैं ये भी दिखाऊंगी आपको। इस तरह देख सकते हैं चारों तरफ कितने खूबसूरत सी पेप्सी की बोतल, टायर, प्लांट लगे हुए हैं।